हमारा आज का विषय है जल। इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे कि जल हमारी धरती पर कितना उपलब्ध है, जल चक्र क्या है और किस तरह काम करता है, भौम जल क्या है, भौम जल का अवक्ष्य, जल का वितरण, पानी का महत्व और जल संरक्षण के तरीके। क्या आपने कभी अपने घरों या विद्यालय में पानी की कमी महसूस की है? क्या आपने कभी लोगों को पानी के लिए लंबी कतार में लगते या झगड़ते देखा है? क्या कभी आपने समाचार पत्र में पानी की कमी पर लिखे गए लेखों को पढ़ा है? चलिए अब देखते हैं कि हमारी धरती पर आखिर कितना जल उपलब्ध है। अंतरिक्ष से देखा जाए तो हमारी धरती हमें एक नीला गोला दिखाई पड़ती है। यह नीला रंग पानी दर्शाता है। इस तरह से देखा जाए तो हमारी पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग पानी से ढका हुआ है। फिर भी हम पानी की कमी या उसके अभाव के बारे में बात क्यों करते हैं? वैसे तो पृथ्वी की सतह का लगभग 70% भाग जल से ढका हुआ है, लेकिन इसमें से केवल कुछ ही मात्रा का जल उपयोग के लिए उपयुक्त होता है। ऐसे जल को आम बोलचाल की भाषा में ताज़ा जल कहा जाता है। चलिए इस चीज़ को एक उदाहरण से समझते हैं। मान लीजिए कि यह बाल्टी का जल पृथ्वी पर उपलब्ध कुल जल को प्रदर्शित करता है, तो फिर यह पानी से भरा मग्गा पृथ्वी के उस जल को प्रदर्शित करता है जो असल में उपयोग के लिए हमारे पास उपयुक्त है। इसके बाद जो छोटे से गिलास में पानी दिख रहा है, यह भौम जल के रूप में पाए जाने वाले जल को प्रदर्शित करता है। तो फिर एक छोटी सी चम्मच में जितना जल आ सकता है, यह विश्व की सभी झीलों और नदियों को प्रदर्शित करता है। क्या आपको ये डर है कि पृथ्वी की सतह पर प्रस्तुत पूरे जल का एक दिन उपयोग हो जाएगा और पूरा जल समाप्त हो जाएगा? आप जानते हैं क्या कि विभिन्न प्राकृतिक प्रक्रमों द्वारा पृथ्वी पर जल की निरंतर उपलब्धता करोड़ों वर्षों से बनी हुई है। इस प्रक्रम को जल चक्र कहते हैं। इस चक्र के द्वारा पृथ्वी पर जल की कुल मात्रा स्थिर बनी रहती है, जबकि समस्त मानव और अन्य जीव जल का उपयोग करते रहते हैं। भौम जल। यदि हम इतनी अधिक गहराई तक खुदाई कर लें कि मिट्टी और चट्टानों के बीच के स्थान जल से भरे हुए हों, तो इस परत की ऊपरी सीमा भौम जल स्तर कहलाती है। भौम जल स्तर से नीचे पाए जाने वाला जल भौम जल कहलाता है। इसी भौम जल को हैंडपंप द्वारा निकाला जाता है और फिर हम इसका अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों में प्रयोग लेते हैं। भौम जल पानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्रोत है। भौम जल तब तक प्रभावित नहीं होता जब तक कि हम केवल उतना ही जल निकालें जितना प्रकृति द्वारा पुनः वर्षा के द्वारा भौम जल में परिवर्तन हो रहा हो। लेकिन आजकल किन्हीं कारणों से भौम जल का स्तर लगातार घट रहा है। इनमें से कुछ प्रमुख कारण हैं: जनसंख्या का तेजी से बढ़ना, बढ़ते हुए उद्योग और कृषि कार्य। हमारा भारतवर्ष बहुत ही ज़्यादा विशाल है, जिसके सभी क्षेत्रों में एक समान रूप से वर्षा नहीं होती। कुछ स्थानों पर अत्यधिक वर्षा होती है, जबकि कुछ अन्य स्थानों पर बहुत ही कम वर्षा होती है।
अनेक कारणों से विश्व के विभिन्न क्षेत्रों में पाए जाने जल वाले जल के वितरण में असामान्यताएं हैं, जिसके कारण कई क्षेत्रों में सूखा पड़ जाता है तो कहीं अत्यधिक वर्षा होने के कारण बाढ़ जैसी स्थिति बन जाती है। अगर हम हमारे भारतवर्ष में देखें तो पश्चिम इलाके जैसे राजस्थान में बहुत कम वर्षा होती है, जिसके कारण वहाँ पर कई बार सूखा पड़ जाता है, जबकि पूर्वी क्षेत्र जैसे कि असम, मिजोरम जैसी जगहों पर वर्षा बहुत अधिक होती है और कभी कभी वहाँ पर बाढ़ भी आ जाती है। क्या आपने कभी सोचा है कि पानी का हमारे जीवन में कितना महत्व है? ज़रा सोचिए, अगर हम एक पौधे को कुछ दिनों के लिए पानी ना दें तो कुछ ही दिनों में वह बिना पानी के सूख कर मुरझा जाएगा। इसी प्रकार अगर पानी की कमी हो जाए तो पृथ्वी पर से हरियाली लुप्त हो जाएगी। इसका अर्थ जीवन का अंत भी हो सकता है, क्योंकि जब पेड़ पौधे नहीं रहेंगे तो ना तो पर्याप्त भोजन होगा और ना ही ऑक्सीजन होगा। इन सब के ना होने पर ना तो पृथ्वी पर कोई भी जीव जिंदा रह पाएगा और इसका अर्थ होगा कि पृथ्वी पर जीवन नष्ट हो जाएगा। तो आपको तो समझ आ ही गया होगा कि पानी हमारे जीवन के लिए कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से पानी हमारे धरती पर कम होता जा रहा है। अगर पानी की बर्बादी इसी तरह चलती रही तो वह दिन दूर नहीं जिस दिन इस पृथ्वी पर एक बूंद भी पीने लायक पानी नहीं बचेगा और पृथ्वी पर से जीवन का नामो निशान भी मिट जाएगा। तो लेकिन अगर हम आज हमारी छोटी छोटी आदतों में बदलाव लाएं और पानी की बचत करने का प्रयास करें तो शायद हमारा भविष्य सुधर सकता है। जैसे कि अगर आप किसी भी नल से पानी टपकता देखें तो उस नल को अच्छे से बंद करें, और अगर नल खराब हो तो उसकी मरम्मत जल्द से जल्द कराएं। वर्षा के पानी को इकट्ठा कर उसे अपने दिन प्रतिदिन के कार्य में प्रयोग कर सकते हैं। नहाने के वक्त कम पानी उपयोग करें और पानी को व्यर्थ बर्बाद ना करें, जैसे कि सड़कों के बीच गाड़ी धोने में बहुत सारा पानी बर्बाद हो जाता है। तो इस प्रकार कोशिश करें कि पानी कम से कम बर्बाद हो, ताकि हम सभी एक सुनहरे भविष्य की ओर आगे बढ़ें। तो हमने सीखा कि हमारी धरती पर इतना सारा पानी होने के बाद भी वह पानी जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसकी मात्रा बहुत कम है। जल की मात्रा का संतुलन जल चक्र से होता है। भौम जल जल का एक बहुत महत्वपूर्ण स्रोत है। भौम जल का स्तर धीरे धीरे कम होता जा रहा है। जल का वितरण भारत में असामान्य है। हम हमारी कुछ छोटी छोटी आदतों को बदलकर पानी की बचत कर सकते हैं। धन्यवाद।